क्लास 7 लेसन नंबर 12 मोशन एंड टाइम। सो स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, हाउ वी कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम एक्सेट्रा। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। सो व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड अ मोशन, इट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा उसी को हम कहते हैं मोशन, दैट इज कॉल्ड अ मोशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक बर्ड है वो आसमान में फ्लाई कर रही है, ठीक है, अ बर्ड इज फ्लाइंग। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बर्ड की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट कंटिन्यूअसली चेंजेस, बर्ड की पोजीशन टाइम के हिसाब से वो बदल रही है। सो वी विल से दैट द बर्ड इज इन मोशन, बर्ड किसमें है? मोशन में। अब नेक्स्ट देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी लीनियर, सर्कुलेटरी, पीरियोडिक, रोटेशनल, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन थे। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर, सर्कुलर मोशन का वो मोशन जो सर्कुलरली उस पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की हो वो सर्कल के हिसाब से चेंज हो। नेक्स्ट है पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब होता है फिक्स टाइम इंटरवल, ठीक है, जैसे एक फिक्स टाइम पे ही वो ऑब्जेक्ट मूव करे उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, ये आप जानते होंगे। ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम का होता है कि जब पेंडुलम, सपोज करिए ये आपका पेंडुलम है, तो जब ये पेंडुलम यहाँ जाएगा उसके बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो जब इस तरह का मोशन होता है इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन, तो वो मोशन जो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो उसे हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड और एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टूडेंट्स आपका? स्पीड और एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां से पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी दूरी है दोनों के बीच में? 100 किलोमीटर। एक कार है वो इसको एक घंटे में ट्रैवल कर लेती है 1 आवर, और एक दूसरी कार है वो उसको कितने टाइम में ट्रैवल करती है? 2 आवर्स। इस कार को एक घंटा लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, और इस कार को कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स। इट विल टेक 2 आवर्स फॉर अ कार टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू बी तक की दूरी तय करने के लिए उसको 2 घंटा लगता है। तो यहाँ पे अब हम स्पीड से, और हमें यहाँ पे इसकी स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है ये? 2 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये आपका आर में हो जाएगा, किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब इसी तरह इस वाले में देखिए, पहले केस तो ये हो गया, सेकंड केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे देखिए इस डिस्टेंस अपॉन टाइम को अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है और टाइम कितना ले रहा है ये? 1 आवर। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इसी तरह से आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक ही फॉर्मूले से हम तीनों चीजें डिराइव कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इंटू स्पीड, फिर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। अब देखिए सिंपल सी बात है, स्पीडोमीटर लगता है आपका कार में, स्पीडोमीटर इट्स यूज इन मोटर व्हीकल्स, जितने भी आपकी मोटर व्हीकल्स आती हैं उसमें स्पीडोमीटर यूज होता है। वो आपका क्या मदद करता है? स्पीड को कैलकुलेट करने की क्या मदद करता है? इट हेल्प्स अस टू रिकॉर्ड द स्पीड। इन द सेम वे ओडोमीटर, ओडोमीटर भी यूज होता है। ओडोमीटर से क्या होता है?
ये आपका डिस्टेंस रिकॉर्ड करने में मदद करता है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर स्पीड रिकॉर्ड करता है और ओडोमीटर आपका क्या रिकॉर्ड करता है, डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ बना के। ठीक है, ये आपके दो ग्राफ हो गए, ये वाली जो एक्सेस होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सेस और ये वाली होती है आपकी वाई, यहाँ पे वही हो जाएगा, ये वाई हो जाएगी और ये आपकी एक्स एक्सेस हो जाएगी। अब सपोज करिए ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, और ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो वी विल स्टार्ट विद यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करिए अ कार इज मूविंग इन एन एम्प्टी रोड, अ कार है वो एक एम्प्टी रोड के जा रही है, एम्प्टी रोड खाली रोड है और कार उस पर 60 किलोमीटर के कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है। कार की स्पीड कितनी है, 60। ठीक है, कार की स्पीड 60 है और वो 60 स्पीड सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जब इक्वल फिक्स्ड स्पीड है इन अ फिक्स टाइम, सो इससे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। फिक्स्ड स्पीड इन अ फिक्स टाइम, फिक्स स्पीड 60 किलोमीटर पर आर और उतने ही टाइम में वो 60 किलोमीटर पर आर पे चल रही है, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सपोज करिए एक कार जो है वो मार्केट एरिया से जा रही है, जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, जहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, तो कार की जो स्पीड है वो वेरी करेगी, कभी 20 हो जाएगी, कभी 40 हो जाएगी, कभी 60 हो जाएगी, कभी 5 हो जाएगी। तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे टाइम तो फिक्स रहेगा, सेम टाइम में वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे सेम टाइम में इक्वल डिस्टेंस और यहाँ पे सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिनट और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिनट्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे आपका डिस्टेंस। ठीक है, 2 मिनट्स में 20 किलोमीटर, 4 मिनट में 40, फिर 6 मिनट में 60, 8 मिनट्स में 80। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए नॉन यूनिफॉर्म में, पहले 2 मिनट में 40 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट के मिनट में 4 मिनट में 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे मिनट्स है और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, फिर नेक्स्ट 6 और 8, यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 50। अब हम इसके यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा 2, 4, 6, 8, ये आपका टाइम है, ये आपका एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8। ठीक है, पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगी 20, 40, 60, 80। तो पहले 2 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस है, 20, तो यहाँ पे आप डॉट को प्लेस कर देंगे, फिर 4 मिनट में 40 है तो 4 मिनट में आपका ये 40 हो जाएगा, फिर 6 मिनट में 60, फिर आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 8 मिनट्स में आपका कितना है, 80। ये अब हम जब इसको ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। सो ये डिपिक्ट करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, ये आपका स्पीड है, ये आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। अब यहाँ पे आइए, ये आपकी क्या है, टाइम हो जाएगा, ये आपका टाइम, और फिर यहाँ पे भी हम ऐसे ही मार्क करेंगे 20, 40, 60 एंड 80। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे 2 मिनट में 40, तो यहाँ पे 2 मिनट्स में हो जाएगा ये 40, फिर नेक्स्ट 4 मिनट्स में 20, फिर 4 मिनट्स में ये हो जाएगा 20, फिर नेक्स्ट 6 में हो जाएगा 30, तो 30 20 और 40 के बीच में आएगा, और लास्ट के 8 मिनट में हो जाएगा आपका 50, तो ये 50 आपका यहाँ पे आएगा। अब जब हम इस ग्राफ को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ बना है वो टेढ़ा है। ठीक है, ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन की तरह सीधा नहीं बना है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा बना है, टेढ़ा। तो ये आपका हो जाएगा नॉन
यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, यहां पे हो जाएगा अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। ऐसे मोशन को आप कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, एंड दिस मोशन विल बी कॉल्ड स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेंडुलम, वी विल सी दैट हाउ दिस पेंडुलम क्लॉक वर्क्स। ओके, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू फ्यू बेसिक टर्म्स विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज सर ये आपका पेंडुलम है, ये यहाँ पे लटक रहा है, ठीक है। अब जब पेंडुलम यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। ये इसकी मीन पोजिशन में जितनी दूरी तक जाएगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अब यहां से देख लीजिए ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और उसी तरह अगर यहां से यहां तक जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, यहां से यहां ये भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया, यहां पे लिख लीजिएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट होता है आपका ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, इसका नाम दे दीजिए ए बी और ये सी। तो जब ये पेंडुलम ए से बी की तरफ आएगा, उसके बाद बी से ए वापस आ जाएगा, उसके बाद ए से सी जाएगा, फिर सी से ए जब वापस आ जाएगा, तो इतनी दूर की जो दूरी होगी, पहले ए से बी गया, फिर बी से वापस ए आ गया, फिर ए से तुम्हारा सी चला गया, फिर सी से वापस जब ए आया, तो इतने दूर की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं ऑसिलेशन, उसे हम क्या कहेंगे ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये दो मेन टॉपिक था, एम्पलीट्यूड और ऑसिलेशन, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एम्पलीट्यूड यहां से लेके यहां तक की दूरी, या यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट होता है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर बी से फिर ए, फिर ए से सी, और सी से जब वापस ए पे आ जाएगा तो वो स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका ऑसिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो क्लॉक्स होती हैं, डिजिटल वॉचेस होती हैं, वो सारी किस पे डिपेंड करती हैं, दीज आर बेस्ड ऑन क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है उस पे वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एक एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है, इसी की वजह से जो टाइम होता है वो हमेशा एकदम एक्यूरेट होता है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगी सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की क्या यूनिट होती है एसआई यूनिट सेकेंड हो जाएगी। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे बचा हुआ है वो है आपका ये मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम इन एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स का कोर्ट है, यहाँ पे कैसे टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है एक्यूरेटली, क्योंकि जो एथलेटिक्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, उनके लिए एक एक सेकेंड की कीमत बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा कि ओलंपिक्स में कभी कभी एक एक मिनट से, एक एक सेकेंड से वो कभी कभी अपना मेडल को लूज कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। सपोज करिए ये ट्रैक है आपका, यहाँ पे आपके जो रनर हैं, जो दौड़ने वाले हैं, वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब जहां पे ट्रैक एंड होता है तो यहाँ पे आपका एक लेजर लाइट लगी रहती है, यहाँ पे क्या लगा रहता है स्टूडेंट्स, लेजर लाइट, यहाँ पे आपकी लेजर लाइट रहती है। और जब ये आदमी इसके बीच से जाएगा तो फौरन आपका टाइम जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। किस टेक्नोलॉजी से होता है, लेजर की वजह से। व्हेन अ रेस ऑफिशियल एट अ स्टार्टिंग पॉइंट पुल्स द गन, एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंस्टेंटली सेंट टू द टाइमिंग डिवाइसेस विच स्टार्ट। तो जैसे ही रेस शुरू होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को रिलीज कर दिया जाता है। At the other end of the race, a laser is projected from one end to finish line to the other. When a light sensing electric eye receives the beam, as a runner crosses the line, the beam is blocked. The electric eye sends a signal to the timing device to record a runner's time.
तो जैसे ही रनर इस यहाँ पे एक पहले ऑफ बीम ऑफ लाइट ऐसे चलती रहती है, तो जब ये रनर आता है तो ये लाइट जो होती है वो बीच से टूट जाती है, उसी टाइम पे आपका जो एक्यूरेट टाइम होता है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स इज लेफ्ट, विच आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो।